फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ब्रेकफास्ट टाइप एक स्नैक बनाएंगे, सो चलिए देखते हैं उसके लिए हम क्या हमें क्या क्या लगेगा। आज आलू सैंडविच बना आलू का टोस्टर बना रहे हैं हम। तो ये है बॉयल और मैश किया हुआ आलू, ऑयल, सॉल्ट, मस्टर्ड सीड, कड़ी पत्ता, चिली पाउडर, शेज़वान सॉस, 1/4 कप प्रोसेस चीज, धनिया पाउडर, ये बॉम्बे ब्रेड या लादी पाव, और ये है कुछ अनियन। सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, अराउंड 3 टेबल स्पून के, लेस देन 1/4 कप थोड़ा। सो फ्रेंड्स, ऑयल जो है गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अनियन डाल दूंगा और इसको थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक हम सौते कर देंगे। अनियन डाल दिए, अब ट्रांसलूसेंट होने तक हमको सौते करना है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हमको जो कड़ी पत्ता था वो स्टार्टिंग में डालना था, जैसे हम तड़का मारते हैं मस्टर्ड सीड और कड़ी पत्ता हमको तब डालना था, बट एज मैं उसे भूल चुका तो मैंने इसको अब डाल दिया है और इसको सौते करेंगे हम थोड़ा सा। कोई अगर आप स्टार्टिंग में भूल जाते हो तो आप भी इस तरीके से बीच में डाल के सौते कर सकते हो, इसको सौते होना ही है वैसे भी। सो अब इसको हम थोड़ा रेडिश कलर होने देंगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारा अनियन है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है हल्का सा। अब हम इसमें हमारा आलू डालेंगे और इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे कुछ इस तरीके से, और मिक्स अप कर देंगे इस तरीके से, मैश करेंगे इसको। आप देख सकते हैं इसके साथ मिक्स कर देंगे अनियन के साथ, और अब ये कुछ इस तरीके से मैश अप हो चुका है। अब हम इसमें अपने सारे जो मसाले हैं वो डाल देंगे। रेड चिली पाउडर मैं काफ़ी कम डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें शेज़वान सॉस डाला है जो कि काफ़ी तीखा होता है। धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून के आसपास, ये एकदम ऑप्शनल है। आप 1 क्यूब चीज़ का 1/4 कप चीज़ का कद्दूकस करके डाल सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट, बहुत सावधानी से डालेंगे नमक, क्योंकि शेज़वान सॉस में भी नमक होता है और चीज़ में भी नमक होता है। 2 टेबल स्पून के अराउंड हम इसमें शेज़वान सॉस डालेंगे, ये बहुत अलग से ट्विस्ट देता है इस टोस्टर को। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे प्रॉपरली, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे आलू मसाला का। प्रॉपरली मिक्स कर देंगे अब हम इसको पूरा एक जैसा होने तक। और शेज़वान सॉस मैंने चिंग्स का लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। ऐसे ये साइड छोड़ना चाहिए जब आप मिक्स करते हो तो, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आलू मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसको नॉनस्टिक में पकाया था तो आप देख सकते हैं साइड्स को इसे छोड़ रहा है, तो ये एक प्रॉपर इंडिकेशन है कि हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब बनाते हैं टोस्टर्स इसमें से, बहुत ईजीली जो बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा मिक्सचर है हम एक छोटे से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको हल्का ठंडा होने देंगे। इस बोर्ड में ट्रांसफर कर देंगे हम इसको और इसको थोड़ा हल्का सा ठंडा होने देंगे टोस्ट बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने बॉम्बे ब्रेड को या लादी पाव को बीच से हाफ कट किया है। एक सफिशिएंट अमाउंट का फिलिंग डालेंगे हम उसमें कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं मैंने कुछ सफिशिएंट अमाउंट का फिलिंग डाला है। हाथों से हम उसको जेंटली प्रेस करेंगे, जो एक्सेसिव है उसको इस तरीके से बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, आप इस पर पहले चटनी या शेज़वान सॉस लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मेरा जो है ये मैंने टोस्टर ऑन कर दिया है, और ये नॉनस्टिक है वैसे तो, बट हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ब्रेड है हमारी, इसको हम थोड़ा हल्का ऑयल ब्रश कर देंगे ताकि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। कुछ इस तरीके से हम इस पर ऑयल ब्रश करेंगे, है वैसे नॉनस्टिक बट इससे ब्राउनिंग बहुत अच्छी होती है। सो ये देखिए इतना हो चुका, और अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे। अगेन दूसरे ब्रेड पे भी हम सेम ऑयल ब्रश करेंगे पहले अच्छे तरीके से, एंड यहाँ पे रख देंगे इसको भी। ऊपर से भी एक सेम ऑयल का कोट लगा देंगे ताकि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये तो इसमें होता रहेगा, अब मैं इसको बंद कर दूंगा इस तरीके से।
और ये तो इसमें होता रहेगा। जिनके पास टोस्टर नहीं है वो आप इस पैन में, मैंने पैन पहले हल्का ऑयल ब्रश किया है, आप देख सकते हैं। अगेन हम इस पर अपना जो टोस्ट, हमने जो सैंडविच बनाया था लादी पाव में या बॉम्बे ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, उसमें बस ऑयल ब्रश कर देंगे हल्का सा। और अब हम इसको प्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से, दोनों साइड से प्रॉपरली कलर आने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट बंद हो चुकी है ग्रीन वाली, सो इसका मतलब रेडी हो चुका होगा हमारा टोस्टर। आप देख सकते हैं किस तरीके से इवनली ब्राउन हुआ है। अब हम इसको इसमें से ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे टोस्टर्स बन के रेडी हो चुके हैं। ये मैंने ग्रिलर में बनाया और ये मैंने पैन में रोस्ट किया है। फर्क जो है थोड़ा फ्लैट हो गया है और इसको हमने प्रेशर नहीं किया तो वे कुछ मोटा सा रह गया है, बट दोनों का टेस्ट इक्वली अच्छा है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।